मॉर्निंग स्टूडेंट, आज बीएससी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत फर्स्ट पेपर जिसका कि लेक्चर थर्ड है, पेपर हमारा है मैकेनिक्स एंड बीम मोशन। इसके बारे में हमारी हेडिंग है रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी घूमते हुए निर्देश फ्रेम। घूमते हुए निर्देश फ्रेम के अंतर्गत हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है गणना करनी है, डेरिवेशन निकालना है। देखिए यहाँ पर पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष के सापेक्ष स्वयं एक बार घूमती है। देखिए सभी को मालूम है पृथ्वी क्या होती है, 24 घंटे में अक्ष अपने अक्ष के सापेक्ष स्वयं एक बार घूमती है। वैसे पृथ्वी क्या है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, ठीक है। यदि एक फ्रेम पृथ्वी के साथ स्थिर कर दिया जाए, देखिए तीन फ्रेम जो हमारा क्या नाम अक्ष होते हैं, तीन अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। यदि एक फ्रेम पृथ्वी के साथ स्थिर कर दिया जाए, अगर यहाँ पे जेड को स्थिर कर दें, तो वह पृथ्वी के साथ घूमेगा और यह अजड़त्वी फ्रेम होगा, ठीक है। तो क्या होगा, पृथ्वी के साथ घूमेगा और क्या कहलाएगा, अजड़त्वी फ्रेम होगा। यहाँ पर देखिए डायग्राम में की देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर जेड फ्रेम को स्थिर कर दिया गया, जेड फ्रेम को स्थिर कर दिया गया है, और जब ये ओमेगा कोणीय वेग से घूमेगा तो एक्स और वाई जो हमारा फ्रेम है, जो वाई अक्ष है, ये क्या होंगे, रोटेट हो जाएंगे। प्रारंभ में क्या थे, ये एक्स आई पर थे, प्रारंभ में कहां पर थे, एक्स आई पर थे, एक्स आर हो जाएगा, ये वाई आई पे थे, वाई आर पे हो जाएगा। लेकिन जो हमारा पॉइंट पी यहाँ पे कण है, उसके पोजिशन वेक्टर जो है वो आर आई इक्वल टू आर आर इक्वल टू आर होंगे, इसके मान में परिवर्तन नहीं हो, क्योंकि हमारा जेड कैसा है, जेड हमारा फ्रेम कैसा नियत है, और पृथ्वी को मान लिया कि जेड फ्रेम पर रखा गया है। जेड आई क्या है, आई फॉर इनर्शियल, आर फॉर रोटेशनल, और यह एस और एस डैश फ्रेम है, ठीक है। यहां पर देखिए माना फ्रेम एस डैश, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स आर, वाई आर, जेड आर, आर से रोटेशन होता है। एक जड़त्वीय फ्रेम एस एक्स आई वाई आई जेड आई के सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहे हैं, देखिए ये ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहे हैं, और यहाँ क्या किया गया, इसको स्थिर कर दिया गया है। तो इसको स्थिर कर देंगे तो ये अपने स्थान से नहीं हटेगा, ये अपने स्थान से रोटेशन में हट जाएंगे, ठीक है। अपने स्थान से हट जाएंगे रोटेशन में तो क्या हो जाएगा, ये एक्स आई से एक्स आर, ये वाई आई से वाई आर की वाई आर पर शिफ्ट हो जाएंगे। दोनों फ्रेमों का एक ही मूल बिंदु को है, देखिए यहाँ पर चाहे फ्रेम एस हो चाहे फ्रेम एस डैश हो, जब हमने जेड को स्थिर कर दिया है तो हमारा क्या हो जाएगा, ओ जो है वो दोनों फ्रेमों के लिए हो जाएगा, चाहे हमारा इनर्शियल फ्रेम हो चाहे हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम हो। और एक ही जेड एच है, जेड एच क्या है, एक इसलिए क्योंकि उसको स्थिर रखा गया है, स्थिर रखा गया है, जो हमारा इनर्शियल फ्रेम होगा वही हमारा रोटेशनल फ्रेम हो जाएगा, ठीक है। यदि फ्रेम एस में कण पी स्थिर दशा में है, यदि यस स्थिर दशा में पी है, तो घूमते हुए फ्रेम यस डैश का प्रेक्षक देखेगा कि कण उसके विपरीत दिशा में रेखीय वेग माइनस ओमेगा इंटू आर से गति कर रहा है। अब देखिए यहां पर पी अगर यहां पर स्थिर है, पी हमारा क्या स्थिर है, और देखिए यहां पर क्या है, जो ओ है ये कैसा है, यहीं पर ओ भी यही ओ डैश है, क्योंकि ये कॉन्सिडेंट पॉइंट है, संपाती पॉइंट है। अब अगर इसको जो है क्या करेंगे, अगर हम फ्रेम एस डैश से देखेंगे तो ये रेखीय वेग माइनस ओमेगा इंटू आर से गति करता हुआ इसको दिखाई देगा। इसी प्रकार यदि फ्रेम एस में कण का वेग, और जो फ्रेम एस में कण का वेग क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन डी टी, और सफिक्स में आई, आई फॉर क्या होता है, इनर्शियल है, तो घूमते हुए फ्रेम में इसका वेग डी आर अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट आर निम्नलिखित होगा, देखिए यहाँ पर, और घूमते हुए फ्रेम पर क्या हो जाएगा, ये हमारा वेग है, ये क्या है, डी आर अपॉन डी टी, क्या नाम, एट आर पर रोटेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इनर्शियल के लिए ये हो जाएगा हमारा, और डी आर अपॉन डी टी है क्या, वेग है, पोजिशन वेक्टर का जब भी अवकलन करेंगे तो हमारा क्या होता है, वेग प्राप्त होता है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों के लिए वेग होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, डी आर अपॉन डी टी
एट आर, आर पर रोटेशन डी आर अपॉन डी टी, यहां पर क्या है आई माइनस ओमेगा इंटू आर। हम लोगों को पहले भी मालूम है, बताया गया था कि हमने निकाला था कि जो फ्रेम हमारा है, एक हमारा इनर्शियल है एक हमारा नॉन इनर्शियल है, दोनों के बीच में संबंध जब निकालेंगे तो हमारा जो रोटेशनल आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी दिशा विपरीत हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको पुनः रीअरेंज करें तो डी आर अपॉन डी टी यहाँ पर क्या है आई, आई फॉर इनर्शियल फ्रेम, यहाँ पर डी आर अपॉन डी टी आर प्लस ओमेगा इंटू आर। ठीक है, इसको रीअरेंज किया, जब इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये जब प्लस में हो जाएगा और ये ओमेगा इंटू आर हो जाएगा। किस प्रकार से हमारा क्या हुआ, समीकरण नंबर हमारा एक बन जाएगा। ये इनर्शियल फ्रेम पर यहाँ पर वेग की गणना की गई है, जो कि हमारा क्या है यहाँ पर एस फ्रेम पर वेग निकाला गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है। अगर इसको हम ऑपरेटर इक्वेशन के, समीकरण एक को ऑपरेटर इक्वेशन के रूप में लिखना चाहे, देखिए यहाँ पे आर क्या है ऑपरेटर। अच्छा, ऑपरेटर होता क्या है, ऑपरेटर क्या होता है, कोई भी डेटा हमारा डी एक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ है उसको एक्टिव करने के लिए ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। ऑपरेटर अलग अलग प्रकार का हो सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इत्यादि, ये सभी सभी क्या है ऑपरेटर है। यहाँ पे आर क्या है एक ऑपरेटर के रूप में कार्य कर रहा है, और आर हमारा वास्तविकता में क्या है, आर जो है वो पोजीशन वेक्टर को बता रहा है, यहाँ पर क्या बता रहा है पोजीशन वेक्टर। तो हमने क्या किया, इस ऑपरेटर को यहाँ इस आर को हटा दिया और ऑपरेटर इक्वेशन के रूप में इसको लिख दिया डी अपॉन डी टी, यहाँ पर क्या है एट कॉन्स्टेंट आई, डी आर अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट आर प्लस ओमेगा। देखिए यहाँ पर आर हट गया, यहाँ पे आर हट गया, यहाँ पे आर हट गया। ठीक है, हमने इसको हटा दिया तो ये हमारा क्या हुआ, समीकरण नंबर दो बन गया। ये ऑपरेटर फॉर्म में हमने इस समीकरण एक को लिखा है। ठीक है, अगर समीकरण एक की बात करते हैं तो डी आर अपॉन डी टी क्या है वास्तविकता में वेग है, और सफिक्स में क्या है इसके पास आई, यानी इनर्शियल फ्रेम पर लिया गया वेग, यानी कि बी आई। ये क्या है डी आर अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट आर, यानी क्या है रोटेशन फ्रेम पर लिया गया वेग, यानी यहां पर क्या होगा बी आर प्लस ओमेगा इंटू आर। ये हमने यहां पर ये समीकरण एक की सहायता से हमने की वेग के फॉर्म में इस समीकरण को लिख दिया है, यानी ये हमारा क्या हुआ समीकरण नंबर तीन बन गया। ठीक है, अब देखिए समीकरण दो को बी आई पर ऑपरेट करें। अब यहां पर देखिए जहां पे हमने ऑपरेटर फॉर्म लिखा, अब क्या किया हमने यहां पर बी आई को ले लिया, बी सफिक्स में आई, देखिए इसमें बी आई कर दिया, इसमें रख दिया, इसमें बी आई, हमने क्या किया जहां पर आर था हमने यहां पर बी आई कर दिया। जब बी आई यहां पे लिख देंगे, देखिए समीकरण तीन से फिर हम यहां पे कहेंगे डी बी आई अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट आई। देखिए हमारा जो राइट हैंड साइड जहां पे बी आई दिया, यहां पे बी आई दिया, हमने एक रिलेशन निकाला है, क्या निकाला है बी आई बराबर बी आर प्लस ओमेगा इंटू आर। हमने राइट हैंड साइड में क्या किया, इस मान को रख दिया, क्या किया इस मान को रख दिया। जब इस मान को रखेंगे तो डी अपॉन डी टी ब्रैकेट में क्या है बी आर प्लस ओमेगा इंटू आर प्लस ओमेगा, फिर हमने बी आई का मान रखा इंटू बी आर प्लस ओमेगा इंटू आर। हमने क्या किया यहां दोनों स्थानों पर हमने क्या किया बी आई का मान रख दिया। ठीक है, डी बी आई अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट आई। देखिए यहां पर डी, जब इसको यहाँ पे क्या किया ब्रैकेट को हटाया तो डी बी आर अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट में हमारा क्या हुआ आर हो गया, क्योंकि हम यहाँ पे आर की बात कर रहे थे। इसके अलावा देखिए इसमें क्या किया, इसको इसको फर्स्ट लिया, इसको सेकंड लिया, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का आकलन डी ओमेगा अपॉन डी टी प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का आकलन, अब यहाँ क्या हो गया ओमेगा इंटू डी आर अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट आर प्लस ओमेगा इंटू बी आर प्लस ओमेगा इंटू आर। ठीक है, हमने क्या किया इसको एक्सटेंड कर दिया और ब्रैकेट को यहाँ पर क्या किया हटा दिया। जब ब्रैकेट को यहाँ पे हटाएंगे तो देखिए डी बी आई अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट आई, देखिए
वेग का आकलन टी के सापेक्ष कर रहे हैं, और हमने पहले ही बताया कि वेग परिवर्तन की दर क्या होती है, त्वरण होती है, यानी ए आई हो जाएगा। और ये डीवी आर अपॉन डीटी ये क्या है, ये भी वेग परिवर्तन, ये किस फ्रेम पर है, ये रोटेशन फ्रेम पर है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ए आर प्लस, देखिए यहां पर ये ओमेगा इंटू डी आर अपॉन डीटी, और यहां पर देखिए ये भी बी आर हो गया, ये भी बी आर हो गया, यानी टू ओमेगा इंटू बी आर प्लस ओमेगा इंटू आर। देखिए यहाँ पर डी ओमेगा अपॉन डी टी क्या है, ये हमारा जो वेग था ये क्या था, रेखीय वेग था ओमेगा, और ये कैसा था, नियत था। और जब नियत का जब भी हम अवकलन करेंगे तो जीरो हो जाएगा, ये डी ओमेगा अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो। देखिए ये समीकरण हमारा आया है, इस समीकरण में ये हमारा ए आई क्या है, जड़त्वीय फ्रेम पर त्वरण, ये कैसे, ये क्या कहलाएगा, अजड़त्वीय फ्रेम पर त्वरण, और टू ओमेगा इंटू बी आर ये कहलाता है कोरोलिसिस, यहाँ पर एसिलरेशन है, त्वरण कहलाएगा, और ये जो है ये क्या कहलाएगा, ओमेगा इनटू, ये कहलाएगा अभिकेंद्रीय बल, यहाँ पर क्या त्वरण है तो यहाँ कह देंगे अभिकेंद्रीय त्वरण कह देंगे। ये समीकरण नंबर हमारा 4। अगर हम इस पूरे समीकरण में क्या कर दें, एम से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा यहां पर हमारा एम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो समीकरण है ये बल में परिवर्तित हो जाएगा, और उस समय हमारा इसका जो मान आएगा वो मान हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्योंकि हमने इसको चेंज किया है, इस ए आर को इस साइड ले गए हैं, इसलिए ये वाला पद हमारा निगेटिव हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा एफ आर इक्वल टू एफ आई प्लस एफ जीरो। एफ जीरो हमारा क्या है, ये जो पद है हमारा माइनस टू एम ओमेगा इंटू बी आर माइनस एम ओमेगा इंटू, ये जो हमारा है ये कहलाएगा आभासी बल। आभासी बल में जो हमारा ये वाला मान है ये कहलाएगा यहाँ पर अपकेंद्रीय बल। आभासी बल क्या होता है, वास्तविकता क्या होती, एक ऐसा बल होता है जो वास्तविकता में कार्य नहीं करता, कार्य करता हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंतर्गत हमने यहाँ पर रिलेशन निकाला, एफ आर बराबर एफ आई प्लस एफ जीरो। आज के लिए बस इतना ही, अगले चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे जो री हेडिंग होगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।